इस समाचार को सुन यीशु नाव पर सवार होकर वहां से एकांत में चले गए। जब लोगों को ये मालूम हुआ, वे नगरों से निकलकर पैदल ही उनके पीछे चल दिए। तट पर पहुंचने पर यीशु ने इस बड़ी भीड़ को देखा और उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उनमें जो रोगी थे उनको स्वस्थ किया। संध्या काल उनके शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, ये निर्जन स्थान है और दिन ढल रहा है, इसलिए भीड़ को विदा कर दीजिए कि गांवों में जाकर लोग अपने लिए भोजन व्यवस्था कर सके। किंतु यीशु ने उनसे कहा, उन्हें विदा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम करो उनके लिए भोजन की व्यवस्था। उन्होंने यीशु को बताया कि यहाँ उनके पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। लोगों को घास पर बैठने की आज्ञा देते हुए यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछलियां अपने हाथों में लेकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर भोजन के लिए धन्यवाद देने के बाद रोटियां तोड़कर शिष्यों को देना प्रारंभ किया और शिष्यों ने भीड़ को सभी ने भर पेट खाया। शेष रह गए टुकड़े इकट्ठा करने पर 12 टोकरे भर गए। वहां जितनों ने भोजन किया था उनमें स्त्रियों और बालकों को छोड़कर पुरुषों की संख्या ही कोई 5,000 थी। इसके बाद यीशु ने शिष्यों को तुरंत ही नाव में सवार होने के लिए इस उद्देश्य से विवश किया कि शिष्य उनके पूर्व ही दूसरी ओर पहुंच जाएं, जबकि वो स्वयं भीड़ को विदा करने लगे। भीड़ को विदा करने के बाद वो अकेले पर्वत पर चले गए कि वहां जाकर वो एकांत में प्रार्थना करें। ये रात का समय था और वो वहां अकेले थे। विपरीत दिशा में हवा तथा लहरों के थपेड़े खाकर नाव तट से बहुत दूर निकल चुकी थी। रात के अंतिम प्रहर में यीशु जल सतह पर चलते हुए उनकी ओर आए। उन्हें जल सतह पर चलते देख शिष्य घबरा कर कहने लगे, प्रेत है ये, और वे भयभीत हो चिल्लाने लगे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, साहस रखो, मैं हूं। पतरस ने उनसे कहा, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जल पर चलते हुए आपके पास आ जाऊं। आओ, यीशु ने आज्ञा दी। पतरस नाव से उतरकर जल पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ने लगे। किंतु जब उनका ध्यान हवा की गति की ओर गया तो वो भयभीत हो गए और जल में डूबने लगे। वो चिल्लाए, प्रभु, मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उन्हें थाम लिया और कहा, अरे अल्प विश्वासी, तुमने संदेह क्यों किया? तब वे दोनों नाव में चढ़ गए और वायु थम गई। नाव में सवार शिष्यों ने ये कहते हुए यीशु की वंदना की, सचमुच आप ही परमेश्वर पुत्र हैं। झील पार कर वे गनेसरत प्रदेश में आ गए। वहां के निवासियों ने उन्हें पहचान लिया और आसपास के स्थानों में संदेश भेज दिया। लोग बीमार व्यक्तियों को उनके पास लाने लगे। वे यीशु से विनती करने लगे कि वो उन्हें मात्र अपने वस्त्र का छोर ही छू लेने दे। अनेकों ने उनका वस्त्र छुआ और स्वस्थ हो गए। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, आपके शिष्य पूर्वजों की परंपराओं का उल्लंघन क्यों करते हैं? वे भोजन के पहले हाथ नहीं धोया करते। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, अपनी परंपराओं की पूर्ति में आप स्वयं परमेश्वर के आदेशों का उल्लंघन क्यों करते हैं? परमेश्वर की आज्ञा है, अपने माता पिता का सम्मान करो और वो जो माता या पिता के प्रति बुरे शब्द बोले उसे मृत्यु दंड दिया जाए। किंतु तुम हो कि कहते हो, जो कोई अपने माता पिता से कहता है, आपको मुझसे जो कुछ प्राप्त होना था वो सब अब परमेश्वर को भेंट किया जा चुका है, उसे माता पिता का सम्मान करना आवश्यक नहीं। ऐसा करने के द्वारा अपनी ही परंपराओं को पूरा करने की फिराक में
तुम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हो। अरे पाखंडियों, भविष्यद्वक्ता यशायाह की यह भविष्यवाणी तुम्हारे विषय में ठीक ही है। ये लोग मात्र अपने होठों से मेरा सम्मान करते हैं, किंतु उनके हृदय मुझसे बहुत दूर हैं। व्यर्थ है उनके द्वारा की गई मेरी वंदना। वे मनुष्य द्वारा बनाए हुए विषयों की शिक्षा ईश्वरीय आदेश के रूप में देते हैं। तब यीशु ने भीड़ को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, वो जो मनुष्य के मुख में प्रवेश करता है मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, परंतु उसे अशुद्ध वो करता है जो उसके मुख से निकलता है। तब यीशु के शिष्यों ने उनके पास आकर उनसे प्रश्न किया, क्या आप जानते हैं कि आपके इस वचन से फरीसी क्रुद्ध हो रहे हैं? यीशु ने उनसे उत्तर में कहा, ऐसा हर एक पौधा जिसे मेरे पिता ने नहीं रोपा है उखाड़ दिया जाएगा। फरीसियों से दूर ही दूर रहो, वे तो अंधे पथ प्रदर्शक हैं, जो अंधों ही का मार्गदर्शन करने में लगे हुए। अब यदि अंधा ही अंधे का मार्गदर्शन करेगा तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे ना। पत्रस ने यीशु से विनती की, प्रभु हमें इसका अर्थ समझाइए। यीशु ने कहा, क्या तुम अब तक समझ नहीं पाए? क्या तुम्हें यह समझ नहीं आया कि जो कुछ मुख में प्रवेश करता है वो पेट में जाकर शरीर से बाहर निकल जाता है, किंतु जो कुछ मुख से निकलता है उसका स्रोत होता है मनुष्य का हृदय। वही सब है जो मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि हृदय से ही बुरे विचार, हत्याएं, व्यभिचार, वेश्यागामी, चोरियां, झूठी गवाही तथा निंदा उपजा करती है। ये ही मनुष्य को अशुद्ध करती है, किंतु हाथ धोए बिना भोजन करने से कोई व्यक्ति अशुद्ध नहीं होता।